हवेली में? हवेली में भाई बहुत पैसे लगे। अच्छा, कितने? कम से कम 4 लाख रुपया लगे। 4 लाख रुपए लगा देते बाबा ने, देख लो भाई 100 साल पहले है। हाफ से 300 सोने वाली चक्की, ये चक्की थी। हाँ, खोलने इसको, इसमें कैसे पिसता था? अच्छा, ये क्या है देखो? अच्छा है, हाफ से 300 सोने वाली चक्की, ये चक्की थी। हाँ, खोलने इसको, इसमें कैसे पिसता था? अच्छा, ये क्या है देखो? अच्छा, देख लो कितना बड़ा कोठा है, देख रहे हो ना? देख लो कितना बड़ा कोठा है, ये देख लो कितना बड़ा। हाँ, ये चलाया आपने? खूब चलाया, खूब चलाया। ये देखो बाबा जी का हाल जी। नमस्कार दोस्तों, मैं विकास चौधरी आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल विकास चौधरी में। और किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में मैं आया हूं गांव डगरपुर में, जो कि जिला बागपत में पड़ता है। ये देख लो, आज की इस वीडियो में हम आपको ये हवेली दिखाएंगे। और ये जो हवेली है, ये 100 साल के बुजुर्ग की एक हवेली है बाबा जी की, जिनका नाम है रामफल जी। ठीक है, उनसे भी मिलाएंगे। और उनकी जो पत्नी है शांति देवी, उनकी उम्र भी करीबन 95 साल है, उनसे भी आपको मिलाएंगे। इस हवेली को दिखाएंगे, हमारे बड़े कैसे खेती करते थे उस यंत्र को भी दिखाएंगे। ठीक है जी, ये रामफल जी हैं, आप देख सकते हैं। ठीक है जी, उम्र हो गई 100 साल, और ये इनकी पत्नी है शांति जी। ठीक है जी, और ये इनका मकान है भाइयों। ठीक है, जो इनके बच्चे हैं, पोते हैं, अगर मैं उनकी संख्या की बात करूँ तो कम से कम 21 पोतियाँ हैं टोटल। पोते पोतियों का परिवार मिला के इनका 50 आदमी है। ठीक है, ये इनकी हवेली है, पुराना घर भी आप इसको बोल सकते हैं। पहले मैं आपको ये दिखा देता हूँ, ये रामफल जी ने बनाया था, ये देख लो। आज भी इसमें जो नीचे मकान है ना, मैं देखो ये जो नीचे है कच्चे हैं बिल्कुल, आप देख सकते हैं, बहुत ही बेहतरीन। और इस हवेली में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14 कमरे हैं भाइयों, आप देख सकते हैं, ये देख लो। और आज भी ये कच्चा ही है नीचे से, और जो हमारे पहले बड़े थे ऐसे बनाते थे मकान। ये देख लो कितनी शांति है इस मकान में, आप देख सकते हैं, ये देख लो। और ये जो आप देख सकते हैं बर्तन, ये बनाए जाते थे भाइयों मिट्टी और चिकनी मिट्टी और कागज से। और ये संदूक, ये देख लो। और ये चारपाई, चारपाई वगैरह है, ठीक है, आप देख सकते हैं। और ऐसा है अंदर का टेक्सचर होता था, ये देख लो जी। ठीक है जी, और इन दादा दादी को अपने गांव से इतना प्यार है, आज तक इनके जो बच्चे हैं पोते हैं काफ़ी जिद करते हैं अपने साथ नोएडा दिल्ली ले जाने के, लेकिन ये घूमने के बाद फिर यहीं पर आ जाते हैं, अपना गाँव नहीं छोड़ते। देख लो वाला, देख लो कितना बेहतरीन है ये देख लो। और ये घर देख लो, ये कमरे देख लो, कितने सॉलिड कमरे हैं इनके, ये देख सकते हैं। ठीक है, ये देख लो। ठीक है, चलिए अब आपकी बात रामफल जी से करवा देते हैं, उम्र ज्यादा है, सुनाई थोड़ा कम देता है, उनके आपको पुराने जो यंत्र हैं वो भी दिखा देते हैं। ठीक है जी, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कर दो, ठीक है भाई। चलिए मैं दिखा देता हूँ आपको, ये आ गए हम यहाँ पर। ये है, ये तो जेली है, ये जेली, हाँ लोहे की बात। ये देखो भाई, इससे ये लोहे की जेली है, इससे इकट्ठा करते हैं। अच्छा, और ये इससे मिट्टी इकट्ठा करते हैं। अच्छा, डोल निकालने का। हाँ, अब तो ट्रैक्टर आगे 2 मिनट में निकल जा, निकल जा। हाँ, देखेंगे अभी, देखेंगे। चलो दिखाओ, आ जाओ बाबा जी, ये देखो बाबा जी को अपने गांव से, अपनी हवेली से बहुत प्यार है भाई साहब। ये देख लो, ये हल है भाई, ये हल आ गया जी, देखो इनका। ये कितना पुराना हो गया बाबा जी? भैया कितना पुराना हो गया हल? ये तो हो गया 40 साल कल। 40 साल? ये चलाया आपने? खूब चलाया, चलाया खूब चलाया। ये देखो बाबा जी का हल जी, हमें देखो, हमें देखो, ये देख लो जी। और ये चक्की के पार्ट है जी, जिस पे पिसाई होती थी, देख लो ये चक्की का पार्ट है, इस पे खूब पिसाई होती थी। अबे बड़ी बड़ी हाथ की तो हाथ से चले आप भी? हाँ, वो दिखाएंगे। चलो बाबा जी आराम से, चलो देख लो कितना बड़ा कोठा है, देख रहे हो ना? देख लो कितना बड़ा कोठा है, ये देख लो कितना बड़ा। ठीक है, और ये देख लो, ये चूल्हा है। ठीक है जी, बिल्कुल सिंपल रहते हैं आज भी ये, ये देख लो जी। ठीक, और ये देखो जी चरखा,
इस पे पहले सूर, और ये वो है बेल्लो का, नहीं चरखे हैं ये, ये भी चरखा बाबा है। हाँ अच्छा चरखा है जी, ठीक है आ जाओ बाबा। अच्छा बाबा ये क्या है, ये क्या है, ये चक्की बनाई भैया आपने बनाई थी, ये मिट्टी का बना, ये मिट्टी और कागज का बनता था। हाँ मिट्टी और कागज का बनता था जी, देख लो बहुत बढ़िया। और ये देखो ये चक्की है, ये चक्की है, ये तो आज भी चालू है। हाँ। ये देख लो ये इनका ये रखा है जी, ये इसमें पहले स्टोरेज होता था अनाज का, ठीक है आटे रखने का। हाँ और ये चक्की है। चलो बाबा जी अपनी हवेली भी दिखा दो, आ जाओ। अच्छा ये तो बताओ बाबा जी, आ जाओ ये हवेली किन्ने बनाई, मैंने बनाई भैया। आपने बनाई थी कितने साल पहले, पच्चीस ही साल हुए इसे, अरे नहीं ज्यादा। हाँ बनाऊंगा आ जाओ दोबारा। अच्छा बाबा जी आराम से भाई, न पकड़ लो कभी गिर जाए यार, ना 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 आ जाओ आ जाओ। ये हवेली में, हवेली में भाई बहुत पैसे लगे। अच्छा कितने, कम से कम 4 लाख रुपया बने, 4 लाख रुपये लगा देते थे बाबा ने, देख लो भाई 100 साल पहले, 100 साल पहले 4 लाख रुपये लगाए थे। ये देखो अब कच्चा है जी, नीचे देख लो कच्चा रख रखा है, कच्चा रख रखा है देखो। हाँ जी वाह, ये देख लो बाबा की मेहनत है, पूरी जवानी कमाया और ये बनाई थी हवेली, ये देख लो बहुत ही बढ़िया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, देखो ये कमरे है। अच्छा पहले ऊपर खुला छोड़ते थे, क्यों छोड़ते थे बाबा, कोई खास वजह? खुला ना रहेगा तो फिर इसको बना क्या है। हाँ ये वो था क्या बोलते इसको, ये ब्रह्मकुंड। हाँ। ब्रह्मा क्या बोलते हैं, ब्रह्मस्थान। ये देख लो जी इतनी सुंदर हवेली है इनकी, ये देख लो इसमें तो गेट भी बहुत है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 बहुत सारी है। 4 लाख रुपए लगे थे उस टाइम इसमें, 4 लाख से ज्यादा ज्यादा लग गए थे। अच्छा अपनी मेहनत से कमा के बनाई थी, अपनी मेहनत से। कितने कमरे होंगे बाबा इसमें, 9 कमरे थे इसमें, 9 कमरे 9 है जी, देख लो बहुत ही बढ़िया जी, बहुत ही बढ़िया, ये देख लो गजब। और ये देख लो मैं अंदर आपको दिखाऊं, नीचे से ना बिल्कुल कच्चा रखते थे उस टाइम भाइयों, देख लो बिल्कुल कच्चा है, और ये पैटर्न होता था आप देख सकते हैं, ये पैटर्न होता था जी, बहुत बढ़िया। अच्छा बाबा अब तो 1 करोड़ रुपए के मकान बन रहे, बन रहे होंगे भैया, हम तो मंदिर में बना लिया जो चलो ठीक ठीक है ठीक है इसमें। हाँ एक ही अंदर है जी, देख लो एक, और ये चारपाई पड़ी है भैया आप देख लो, ये चारपाई है भाई एक से एक बेहतरीन, और ये देख लो जी। हाँ देख लो जी बहुत ही बढ़िया बहुत ही बेहतरीन। और ये देखो जी ऐसे फेंक रखे, ये देख लो बाबा का फोटो, बाल देख लो कैसे रख रखे बड़े बड़े, ठीक है जी बाल तो बहुत बड़े बड़े रख रखे बाबा, जवानी में पूरा शौक करा बहुत ज्यादा। अच्छा